तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों आपने कई बार सोचा होगा जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो और आपके पास पैसे कम हो, आप सोचते हो कि यार चलो किस्तों पे ही फ़ोन ले लेते हैं, EMI पर ले लेते हैं। लेकिन आपके सामने क्या इशू आता है कि यार जब आप शॉप पर जाते हैं तो शॉप वाला मांगता है आपसे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यदि आप के पास हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर आपके सामने एक और प्रॉब्लम फेस हो जाती है, यार क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेकर आएंगे। और क्रेडिट कार्ड जब बनता है तो उसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी होती है, वो पूरी करनी पड़ती है, कंडीशन होती है उसको पूरी करनी है, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल आदमी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है। लेकिन यार मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, डेबिट कार्ड ATM सभी के पास होता है, यहाँ तक कि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट पर भी एक डेबिट कार्ड, रुपये डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। और उसी के दौरान मैं बताऊंगा कि आप एक डेबिट कार्ड पर भी EMI ले सकते हो। दोस्तों आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी, कोई बोलता है फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड पे EMI से फ़ोन ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है। मैंने इसको काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ है। उसमें मैसेज, फ्लिपकार्ट पे क्या होता है कि उसमें मैसेज करना होता है एक नंबर पर, वो जो यदि आपके नंबर पर एक फ्लिपकार्ट की तरफ से मैसेज का रिप्लाई आ गया तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, होना नहीं। मैंने कई बार ट्राई किया अमेज़ोन से भी और फ्लिपकार्ट से भी, लेकिन नहीं हुआ वो। अगर आप अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से EMI पर फ़ोन लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसमें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होती है, क्रेडिट कार्ड आपको पास होना चाहिए, वरना आप EMI पर फ़ोन नहीं ले सकते। लेकिन आज मैं आप ना तो फ्लिपकार्ट ना अमेज़ोन, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है, किसी भी ऐसी साइट के बारे में नहीं बताऊंगा कि आप वहाँ से EMI पर फोन ले सकते। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा यदि आप किसी कंपनी का फ़ोन लेना चाह रहे हैं, ओप्पो का, ओप्पो का, वीवो का, वीवो का, या रियलमी, रियलमी, या EMI का, तो आप डायरेक्ट कंपनी से कैसे EMI पर फ़ोन खरीद सकते हैं। दोस्तों तो आपने सही सुना, डायरेक्ट ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू बल्कि डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आप किस्तों पर फ़ोन खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका प्रोसेस बहुत थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको यदि वीडियो आप कंटिन्यू देखोगे बिना स्किप किए तो आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों आपने बहुत सारी आपके सामने प्रॉब्लम फेस होती है जब आप EMI पर फ़ोन खरीदते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप किए मत देखना, बिल्कुल कंटिन्यू देखना, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे फ़ोन को EMI पर खरीदते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने भाई का नाम ले लिया, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं ARJ मोनिटर चैनल। जी दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर ऐसे कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस नई वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए ARJ मोनिटर्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा। और दोस्तों आपको एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यदि आप जिस भी कंपनी का फ़ोन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप ओप्पो का फ़ोन लेना चाहते हैं, रियलमी का फ़ोन लेना चाहते हैं, MI का फ़ोन लेना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड का, तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में उसी कंपनी का, मान लीजिए मैं ओप्पो का फ़ोन लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, प्ले स्टोर में सर्च करना होगा ओप्पो स्टोर। ओप्पो स्टोर जिसे हम इसको सर्च करेंगे तो ये सामने हमारे आ जाएगा। ये देख लीजिए मैंने इंस्टॉल किया, इसलिए इंस्टॉल हो रखा है। ये वाली आपको ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी, देन इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना होगा। जैसे ये ओपन होती है एक ऐसा इंटरफेस आएगा, देन लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट कर लीजिए सर। ये ऑफिशियल ओप्पो स्टोर है। तो हमारे सामने फाइनली ये इंटरफेस आ चुका है ओप्पो का जो ऑफिशियल, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडिपेंडेंस आने वाला है 15 अगस्त, उसके लिए कुछ ऑफर्स भी इसमें दिए गए हैं, सेल्स लगी हुई है ओप्पो स्टोर पर।
तो हमें सिर्फ आपको बताना है कि EMI पर फ़ोन कैसे लेते हैं। तो चलिए हम कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे ओप्पो रेनो 6 लेना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करिए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने एक इंटरफेस ऐसा ओपन होगा, जैसे हम फ़ोन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने उस फ़ोन की डिटेल्स आ जाएगी। आपको उसमें फ़ीचर्स क्या क्या दिए गए हैं वो इसमें सब कुछ दिया गया है। और यदि इससे भी बेटर आप उसके फ़ीचर जानना चाहते हैं तो वो फ्लिपकार्ट पे सबसे बेस्ट मिलते हैं। उसका कैमरा एक्सपीरियंस, उसके स्पेसिफिकेशन भी मिलते हैं, सब कुछ A to Z जो ऑल डिटेल्स होती है वो फ्लिपकार्ट पर मिलती हैं। तो आप वहाँ चेक कर सकते हो और देन आप यहाँ EMI पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको EMI पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पहले यही बता देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, ये शुरू में EMI के पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप किस किस COD भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे हैं, आप कैश हैं, आप COD भी कर सकते हैं। देखिए COD है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है EMI पर। आप EMI पर लेना चाहते हैं EMI पर लीजिए। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, आप कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। यदि आप वॉलेट से UPI से करना चाहते हैं, किसी भी वॉलेट से, आप उससे भी हो सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी हो सकते हैं एंड UPI। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अभी EMI पर अप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। तो चलिए हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। इसको पहले आपको ऐड टू कार्ट करना होगा। ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया। देन इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करना होगा आपको। आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ऑप्शन पर क्लिक करना होगा बनाओ। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको के सामने की ये वेरिएंट सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा कलर लेना है, ब्लैक या ओरेरा, जो सा भी आपको पसंद है वो कर लीजिए। चलो मैं ब्लैक लेता हूँ। आप इसकी क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4 जितना भी। यानी कि हमें भी वन फ़ोन की EMI लेना चाहते हैं, एक फ़ोन के लिए सिर्फ। तो चलिए हमसे बाय कर लेते हैं। तो बाय करने के बाद ऐसा फेस आएगा आपके सामने। आपको अपना एड्रेस इसमें सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी एड्रेस पर रहते हैं, आपको अपना पहले उसमें ऐड एड्रेस आएगा, वो एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। मैंने पहले से ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो ठीक है, मैंने एड्रेस फिल कर रखा हुआ पहले से ऑलरेडी। फ्लिपकार्ट पर आप जैसे ऑर्डर करते हैं, आपको डिलीवरी चार्ज लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्ज लगेगा। आपको जितने का फ़ोन है आपको उतने के ही पैसे पे करने होंगे। यहाँ पर आपका कोई कूपन्स या गिफ्ट कोड हो तो आप उसके द्वारा, जैसे बहुत सारी कंपनी मतलब आपको EMI पर फ़ोन देती हैं लेकिन वो इंटरेस्ट लगाती हैं, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इंटरेस्ट देना होगा लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा जितना कि अदर वेबसाइट लेती हैं। वो डेबिट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेबिट कार्ड कौन से बैंक का है, उसी के अनुसार आपका ये इंटरेस्ट लगेगा। तो चलिए हम टर्म एंड कंडीशन राइट कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं शिपिंग फीस 0 रुपये, 49 की जगह कट किया हुआ है 0 रुपये दिया है, 29,990 रुपये का आपका ही पेमेंट है और फ़ोन की कीमत भी एक्चुअल इतनी है। तो चलिए हम इसे प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं। अब प्लेस ऑर्डर होने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ये आपको पेमेंट 1 घंटे क्या 2 घंटे के लिए दी जाती है कि 2 घंटे के अंदर आप इस पेमेंट को जैसे भी आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए कंप्लीट ऑर्डर को। तो चलिए हमें क्या करना है, आपको देखना कैश ऑन डिलीवरी भी दिया, क्रेडिट कार्ड भी दिया। क्रेडिट कार्ड से अभी आप पेमेंट करोगे तो 10% एक्स्ट्रा अप टू 4,000 पर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। डेबिट कार्ड पर भी आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। EMI का ऑप्शन आया हुआ है इसमें। हाँ दोस्तों आपने देख लिया हो कि हमें EMI पर फ़ोन चाहिए, तो हमें ये देख लीजिए दोस्तों, EMI पर आपको फ़ोन लेना है तो हमें तो EMI पर लेना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अब पे नाउ पर, जैसे आप EMI पर क्लिक करेंगे तो पे नाउ करना होगा। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सूर्य EMI ऑप्शन आएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से EMI लेना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से EMI लेना चाहते हैं। आपके सामने बहुत सारे इसमें डेबिट कार्ड के दे दिए जाएंगे
और यदि आपके पास बजाज फिनसर्व EMI कार्ड है आप उससे भी ले सकते हैं, इसमें नो कॉस्ट EMI है, कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए हमें क्या करना है, डेबिट कार्ड से लेना है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इस नंबर से पहले ट्राई किया था क्योंकि वो ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया था, इसलिए ये दिखा रहा है कि नॉट अवेलेबल फॉर इस नंबर पर, वी आर ट्राई अ डिफरेंट नंबर। दोस्तों आप दूसरे नंबर, आप यदि आप किसी भी नंबर से आप अपने नंबर से ट्राई करोगे तो आपके नंबर पे ये नहीं आएगा लिखा हुआ, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जो आप देख रहे हैं ये वाला जो रेड कलर में आ रहा है, ये क्योंकि ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने पहले एक ऑर्डर किया था तो ये COD वो मैंने कैंसिल कर दिया था, इसकी वजह से ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो यदि आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर कोई नो कॉस्ट है, और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नो कॉस्ट है। तो चलिए हम HDFC कार्ड वाले पे देख लेते हैं। HDFC कार्ड पर यदि आप डेबिट कार्ड पर EMI पर फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको कि 3 मंथ्स के लिए सिर्फ 803 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और उसकी आपको जो EMI होगी वो होगी 10,264 रुपये। और यदि आप 6 मंथ के लेना चाहते हैं तो उसकी EMI हो जाएगी आपकी 4,998.33 पैसे 6 मंथ के लिए। आपको इसमें क्या दिया हुआ है, ये डिस्काउंट ऑफ द 1,581 रुपये इक्वल टू इंटरेस्ट हैज़ बीन अप्लाइड, इसको डिस्काउंट दिया जाएगा 1,581 रुपये का इसमें। और यदि आप 9 मंथ की आपको EMI कराना चाहते हैं तो आपको 3,332 रुपये की EMI मिल जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, जैसा इसमें डिस्काउंट दिया हुआ है 9 मंथ की 2,222 रुपये का, वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार ऐसा ही कम किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो डिस्काउंट कम थोड़ा वो कम कर दिया जाता है। ऐसे जैसे डिस्काउंट दे रहे ऐसे वो 9 मंथ का थोड़ा इंटरेस्ट लग जाएगा। और यदि आप 12 मंथ की करना चाहते हैं तो टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 2,662 रुपये का। आपको और नीचे प्लान दिए हुए हैं, यदि आप 18 मंथ कि लेना चाहते हैं तो इसमें 3,941 है, तो आप 6 मंथ का सिलेक्ट कर लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करके, चलिए मान लेता हूँ मैं 6 मंथ का कर लेता हूँ। अब जैसे इस पर आप सिलेक्ट करोगे 6 मंथ तो आपके सामने एक यहाँ पर ये आपका रजिस्टर्ड नंबर जो बैंक में है वो डालना होगा, देन इसके बाद आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा, उसके बाद आप प्रोसेस कर दीजिएगा तो आपका ये आपका जो EMI पर फ़ोन ले रहे हैं तो कंपनी के साथ जॉइंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक डेबिट होते रहेंगे आपके हर महीने से पैसे आपके अकाउंट से। आपको किसी भी आउटलेट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन आपके घर पर आएगा, होम डिलीवरी आएगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ गई होगी और आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता भी दिया होगा, समझ गए होंगे कि आपको क्या EMI पर डेबिट कार्ड से फ़ोन लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।